गाइस मैं लेके आ चुका हूँ और एक नए वीडियो। इस वीडियो में बेसिकली मैं बताने वाला हूँ VGMA के टूर्नामेंट के बारे में, जिस टूर्नामेंट में हैदराबाद हाइड्रास ने एक चिकन डिनर निकाला था। तो ये टीम का जो गेम प्लानिंग था, बस इसी के बारे में मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो जो लोग इस तरह का टूर्नामेंट खेलते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, सो प्लीज़ लास्ट तक देखना। तो चलो यार अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सभी टीम हमने अपने ड्रॉप लोकेशन के निकल चुकी है, लेकिन हमारा जो हैदराबाद हाइड्रास वाली टीम है वो जाने वाले हैं विनरी। तो यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमने ड्रॉप पे उतरने से पहले टीम के लिए गाड़ी का बंदोबस्त कर लेना है, नहीं तो जोन में रोटेशन देने का टाइम प्रॉब्लम हो सकती है। और यही चीज ध्यान में रखते हुए हमारा हाइड्रा ऑफिशियल के दो प्लेयर गाड़ी ढूंढने गए और दो प्लेयर डायरेक्ट गया ड्रॉप। तो इससे दो फायदे हो गए, पहला तो गाड़ी भी मिल गई और ड्रॉप भी सिक्योर हो गया। ये जरूरी नहीं है कि ये वाला डिसीजन हमेशा लेना है, ये वाला डिसीजन सभी जगह पे अप्लाई नहीं होती, क्योंकि देखो भिकंडी मैप में गाड़ी का प्रॉब्लम होता है, इसलिए ये वाला डिसीजन ठीक है। लेकिन यार सोच लो वीरांगल में, वीरांगल के आपको पता है हमेशा आप खेलते हो कहाँ पे गाड़ी मिलता है नहीं मिलता है, आप लोगों को मालूम, इसलिए वहाँ पे गाड़ी का प्रॉब्लम नहीं होती है। तो सारे डिसीजन आपको सोच समझ के लेना पड़ेगा, बट रिस्क तो रहेगा, लेकिन आपको पता ही है रिस्क है तो रिस्क है। तो यहाँ पे सोल रोटेशन देने का टाइम हाइड्रा के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं, लेकिन यार सभी को मालूम है जोन को इग्नोर किया तो बाद में जाके जोन बीटी दे सकते हैं, इसलिए दोनों ही टीम इस फाइट को इग्नोर करके डायरेक्ट जोन में जाते हैं। ध्यान से देखो ये टीम जोन के साथ अपना रोटेशन कैसे डालते हैं। यहाँ पे देखो जोन शिफ्ट होने पे कैसे लोग रोटेशन देते हैं। यहाँ पे देखो इनके पास दो ही रास्ते हैं जोन के अंदर जाने का। पहला रास्ता है कि डायरेक्ट जाके कहीं पे गाड़ी ठोक के जोन ले लो, और एक है आरी स्पोर्ट्स के ऊपर रश डाल के उनकी जगह छीन लो। यहीं पे टीम एक बोल्ड डिसीजन लेते हैं रश डालने का। आरी स्पोर्ट्स के एक प्लेयर को नॉक डाल के डायरेक्ट रश करते हैं, लेकिन यहाँ पे स्ट्राइकर डायरेक्ट फिनिश हो जाते हैं। फिर भी हाइड्रा के पास मेन एडवांटेज रहने के दौरान तो फाइट आराम से निकल जाती है। यहीं पे इनका 90% गेम कंप्लीट, मतलब समझ लो यार 90% चिकन डिनर इनके पास आ गया, क्योंकि यार पहले देखो जोन भी आ गया इनके पास और अच्छा सा एक कवर भी आ गया, और क्या चाहिए। बस इन लोगों को अभी अपना जोन को होल्ड करके रखना है और फिनिशेस बटरना है, जो लोग आसानी से कर पाए और आराम से चिकन भी ले लिया। यहाँ पे हमारा बिग ब्रदर्स का प्लेयर कुछ करके दिखा सकते थे, अगर लेफ्ट वाले को पहले ले लेते तो आसानी होती, लेकिन ये थोड़ा सा गलती होगी, ये दोनों प्लेयर को एक साथ लेने गया, बस यहीं पे हो गया गलती और दी एंड। चलो गाइस ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, मैं जाके पानी पीता हूँ, तुम लोग फटाक से लाइक वाइक कर दो यार। अब से मुलाकात होगी अगले वीडियो में, मतलब जो आने वाला है, वो क्या आने वाला है मेरे को नहीं मालूम यार, फटाक से लाइक वाइक मारो तभी इस तरह का और वीडियो आने वाला है, फटाक से मारो गाइस।